तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हॉलीवुड मूवी डर्टी टीचर, जो मूवी 2013 की है, तो इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में गाइस डैनी और जेमी नाम के कपल को दिखाया जाता है, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं और ये मतलब एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वहीं मूवी के मतलब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक स्कूल में टीचर आती हैं, जो जिसका नाम मोली होता है। और फिर वो मतलब मोली जो होती है नहीं होती स्कूल में, तो उसको मतलब प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, वो घुमाता है मतलब स्कूल के। तो फिर मोली जब घूमते घूमते जाती हैं बाहर, उसकी नज़र डैनी पर पड़ता है, जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और यहीं से मतलब सीन शुरू होता है। और ये मतलब ठरकी औरत थी, मतलब टीचर तो थी लेकिन हौसी थी, और उसको देखकर मतलब पसंद करने लगती है। फिर क्लास में जाती है और सबको इंट्रोड्यूस कराती है खुद को। और उसके बाद डैनी पर मतलब इसको कुछ ज़्यादा ही मतलब इसका नज़र रहता है, और उसको मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेना हो तो मुझसे मतलब संपर्क करो। और इसका तो मतलब कुछ और प्लान था, मतलब हवस ही इसके दिमाग में भरा था, तो इसीलिए मतलब इसको लालच दे रही थी। और इसके बाद मतलब ये डैनी के बारे में सोचने लगती हैं। इसके बाद डैनी को ये मतलब टेस्ट करती हैं कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो बोलो। तो डैनी उधर से मतलब रिप्लाई देता है कि नहीं कोई ना, मतलब मैं आ जाऊँगा अगर हेल्प की ज़रूरत होगा। इसके बाद दोनों मतलब काफ़ी अच्छा मेलजोल होता है, क्लास में भी मतलब अच्छा मतलब मेलजोल रहता है। इसके बाद क्या होता है कि जो जेमी होती है वो डैनी का गर्लफ्रेंड, तो उसको मतलब शक हो जाता है इन दोनों पे, तो इनका मतलब पीछा करने लगती हैं। फिर एक दिन इनके घर मतलब मोली के घर पहुंच जाती हैं, जहां देखती हैं कि मतलब मोली और डैनी दोनों मतलब सेक्स कर रहे हैं और मतलब एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो फिर ये देखकर मतलब वो नाराज हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि मतलब अगले दिन स्कूल में जाती हैं जिमी और इससे पूछती हैं और डैनी से कि क्या हुआ था मतलब कल रात। तो ये बोलता है कि मतलब मैंने जानबूझ कर नहीं किया, तुम्हारे साथ नहीं होता है कुछ भी, तुम करने नहीं देती हो की सोच, तो इसलिए उसके साथ की सोच कर लिया और भी मतलब बहुत कुछ हुआ। इसके बाद डैनी जो होता है वो प्रोमिस करता है जिमी से कि आगे से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा उसके साथ और रिलेशन भी ख़त्म कर देगा। और फिर लास्ट बार उसको मतलब टेस्ट करता है वो अपने स्कूल के टीचर को, वो मोली को। तो मोली खुश हो जाती हैं कि मतलब इससे प्यार है, मतलब वो प्यार करता है डैनी। और फिर उसको मतलब बुलाती हैं रात में, मतलब ये दोनों मिलते हैं एक जगह, और फिर वहाँ बोलते हैं कि तुमसे मतलब दोबारा नहीं मिलूँगा, डैनी बोलता है। और इसके बाद चला जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करती हैं वो मोली, और इतना गुस्सा करती हैं कि वो गाड़ी में बैठकर, और वो आगे आगे जा रहा था डैनी, और उस पर चढ़ा देती है और डैनी वही मतलब मर जाता है, मतलब उसका काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब मोली पूरी तरह से डर जाती है। उसके बाद मोली जो होती है वो अपने सबूत को मिटाने के लिए मतलब वो उसके सिर पर चोट लगा होता है, उसके सिर को पोंछ के रुमाल से, और वो मतलब जिमी के गाड़ी में डाल देती हैं वो रुमाल और अपना फोन भी, और अपने मतलब गाड़ी का टूटा हुआ जो आगे लाइट जो होता है उसको मतलब वो किसी मिस्त्री से रिपेयर करवा लेती हैं और उसको बहुत सारा पैसा देती हैं, ताकि मतलब इस पर कोई सबूत इसके पास ना रहे कि इसने ही मर्डर किया है मतलब उस डैनी का। और इसके बाद मतलब ये अपने स्कूल में चली जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सीबीआई वाले पुलिस जो होते हैं वो आते हैं मोली के घर और इसे पूछताछ करते हैं कि मतलब क्या हुआ था। जिमी बता रहे कि मतलब तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप में डैनी था, और ये बोलती है कि मतलब वो रिलेशनशिप में नहीं था, बस बेस्ट फ्रेंड था। और वो जिस दिन उसका डैनी का मतलब एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो सिनेमा देख रही थी, और वो टिकट भी दिखा देती हैं जिसकी वजह से ये बच जाती हैं और केस से निकल जाती हैं। इसके बाद सीबीआई जो होती हैं वो मतलब जिमी के घर जाते हैं, और इसके बाद वहाँ पर उसकी गाड़ी जिमी के चेक करते हैं, और वहाँ पे मतलब सबूत निकल जाता है, वो फोन निकल जाता है, फिर डैनी का जो सर से खून निकला था उसका रुमाल जो खून से लथपथ था, और इसी आधार पर पुलिस पकड़ लेती है जिमी को। और फाइनली जिमी को ले जाते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं और फिर इसको जेल में डाल देते हैं जिमी को। इसके बाद इसके माता पिता आते हैं और इसको रिमांड पर मतलब छुड़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को इस पर शौक होती हैं, जिसकी वजह से इसके पैर में मतलब ट्रांसमीटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जिमी कहीं भी जाएगी तो पता चल जाएगा। इसके बाद जिमी घर आती हैं और इसके बाद इसकी माँ जो होती हैं जिमी की, वो मतलब इस केस के बारे में पता लगाना चाहती हैं, और फिर उस ड्राइवर से मिल जाती हैं, मतलब वो मोली के गाड़ी में जाती हैं, वहाँ से
देखती हैं लोकेशन कहाँ कहाँ इसकी गाड़ी गई है, और उसके आधार पर वो उस मतलब वो मिस्त्री जो होता है उसके पास जाती हैं। तो वो उसे पूछती हैं कि यहाँ क्यों आई थी वो, मतलब तो वो नहीं बताता है। फिर उसके मतलब उसके साथ काम औरत करती हैं, वो बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है क्योंकि मतलब इसी ने मर्डर किया है, और ये अपने लाइट हेडलाइट गाड़ी के चेंज करवाने के लिए आई थी। और इसके बाद मतलब समझ जाती हैं जिमी की माँ की मोली ने इसका डैनिक एक्सीडेंट कराया है। और इसके बाद वो आती हैं और सारी बात जिमी को बताती हैं, और जिमी उसके घर चली जाती है मोली के, और वहाँ पूछताछ करने लगती हैं मतलब, और मतलब फ़ोन रिकॉर्ड करती हैं तो वो मोली को पता चल जाता है। इसके बाद मोली ने उसकी जिमी की फ़ोन तोड़ देती हैं। इसके बाद ये मतलब गुस्से से जिमी पूछने लगती हैं, और इसके बाद वो भी गुस्सा करती हैं, और फिर वो चाकू निकाल लेती हैं मोली और उस पर हमला करने लगती हैं। लेकिन जिमी मतलब उस इसको ही इसी के चाकू से मार देती हैं। फिर इसके गाल पे लग जाता है निशान चाकू का, और इसके बाद ये गुस्से में आ जाती हैं। फिर CBI वाले आ जाते हैं क्योंकि जिमी के पैर में ट्रांसमीटर था, और उसके आधार पर लोकेशन से आ जाते हैं। और फिर वो CBI वाले जो होते हैं, वो एक आदमी था वो आ जाता है, और वो इसको समझाने लगता है मोली को, लेकिन मोली पीछे से इसको मार देती हैं सर पे, फिर भागने लगती हैं। और फिर जिमी बाहर से उस CBI वाले के गन निकाल कर इस पर तान देती हैं, और इसको मतलब वहाँ पर पूरी पुलिस आ जाती हैं और इसको मतलब मौली को पकड़ लेती हैं, और सबको पता चल जाता है कि मौली ने ही डैनी का एक्सीडेंट किया और मर्डर किया। तो फिर यहीं पर मतलब वो जेल में चली जाती हैं मौली, और यहीं पर मतलब कहानी समाप्त हो जाता है। और जिमी जो होते हैं इसको नए मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, और क्या, ख़त्म।